wonderful to have you on the show. It's always a pleasure, Pooja. You are looking fabulous. Thank you. Shilpa, आप 10 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में शामिल हैं. In these 10 years, you've done lots and lots of entertaining films. जी. <laughs> so what made you take on a film like फिर मिलेंगे? उसे काफी सारी reasons रहीं. सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे एक ऐसे फिल्म का हिस्सा होने का मौका मिला जो ना कि मेरे एक्टिंग एबिलिटी को प्रदर्शन करने के करने के लिए एक मौका मिला लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे जो सोशली रेलेवेंट था आपको ऐसे पहले मौका नहीं मिला था एक सोशली रेलेवेंट फिल्म में काम करने का मौका तो मिला नहीं मुझे व्हाई डू थिंक फिल्म्स लाइक दैट हैवंट बीन मेड बिफोर वेल आई दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली बिकॉज़ इट्स इजीअर सेड बहुत लोग कहते हैं कि और सोशली रेलीवेंट फिल्में बननी चाहिए लेकिन ऐसे uh, uh, सिर्फ बोलने से चलता नहीं है अगर उनसे पूछा जाए स्पॉट पोल में कि आप एक एंटरटेनिंग फिल्म uh, देखना चाहेंगे या एक सोशली रेलिवेंट फिल्म आई एम श्योर मोस्ट ऑफ वुड से एन एंटरटेनिंग फिल्म वेल इन टाइम एज यू सी मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल ट्राइंग टू एप द वेस्ट एंड ट्राइंग टू गेट अवे फ्राम कल्चर विच इज़ रिलीज कैरी आई ड्रेट टू थिंक वॉट माई किड लाइक ट्वेंटी ईयर्स द लाइन केथरी जी वॉज अ फिल्म दैर एक्चुअली प्रजेंटिड द ट्रू इंडियन वैल्यूज एंड फैमिली टूगैदर ऑल द थिंग्स दैट इंडिया स्टैंड फॉर आई थिंक ज़्यादातर जो हमने ये ओपिनियंस देखे हैं आई थिंक पीपल डोंट वॉन्ट टू आइडेंटिफाई विद पेन विद सफरिंग मे बी एक्नोलेज इट एज वो उनके रोज़मर्रा की जिंदगी में इतने पेन से गुजर रहे हैं कि वो थिएटर में जाके ऑबियसली वो नहीं देखना चाहते Uh, even if it, hona it, even if it builds awareness. Well, I've been part of a film like Fir Milenge, which I enjoyed doing as an actor, as a human being. I grew with a film like that. Um, but honestly, um, and it's not like people haven't seen the movie. They've maybe got a DVD and watched it at home. You know what I mean? They wouldn't want to go and watch it in a theatre. That's the way it is. You have entertaining films. You have many directors, ke kaam kiya hai, biggest co stars. Lekin, आपको जो रिकोगशन मिला है एज अ सीरियस एक्ट्रेस हैज़ ओनली कम विद अ फिल्म लाइक दिस मुझे ताज्जुब होता है जब लोग कहते हैं कि uh, जैसे आपने भी कहा कि पीपल फेल्ट यू सडनली बिलीविंग दैट यू आर अ गुड एक्ट्रेस आफ्टर फिर मिलेंगे ऐसी बात नहीं है कि मैंने परफॉर्मेंस uh, ओरिएंटेड रोल्स नहीं किए हैं इससे पहले बल्कि मुझे लगता है एक एक्टर के लिए uh, बहुत मुश्किल है एक कमर्शियल फिल्म में आ, अपने रोल को जस्टिफाई करना बहुत आ, आ, एक आम बात नहीं है क्योंकि इट्स लार्जर देन लाइफ लाइक दिस लेकिन एज अ परफॉर्मर डज इ गिव यू ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू नो नॉट ओनली डिड यू डू अ ग्रेट रोल बट इन सोसाइटी वेल मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है ब, एक एक्टर के तौर पर भी और एक ह्यूमन बींग के तौर पर भी uh, जब लोग आके बोलते हैं कि uh, एक ऐसी फिल्म छू गई हमें uh, और ऑब्वियसली इसलिए छू छू गई क्योंकि इट हैड एन इफेक्ट ऑन दैम ओनली बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द वे वी वर प्रजेंटेड थैंक्स टू रेवती एंड आई रियली विश इट हैड अ बिगर इम्पैक्ट आई रियली विश द फिल्म वड बी प्रमोटेड बाई द गवर्मेंट ऐसी फिल्में जो होती हैं काफ़ी रिस्की प्रोपोजिशन होती हैं लोग ऑबियसली फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक ऐसी फिल्म

Uh, there has to be content which our film did have but film uh, Milenge, if you look at, it, uh, look at it as an audience, at least when I saw the end product, I thought it was an extremely um, positive film and uh, I think AIDS is an issue that really needs to be tackled on a war footing and I'm, I'm happy that Reviti had the gumption to make a film like this. Phir Milenge has been packaged as a very big film with big stars etc. etc. but had it been a smaller film, वुड यू हैव स्टिल जब uh, रेवती मेरे पास आई थी आ, उनके पास ना अभिषेक बच्च, बच्चन साइन हुए थे ना सलमान खान तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आ, शायद वो न्यू कमर्स के साथ ये पिक्चर बनाएंगे बन मैं इसग्रिगेशन में बिलीव ही नहीं करती कि ये आर्ट सिनेमा कमर्शल सिनेमा जैसे uh, हाँ डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ आपको जो पिक्चरें चलती है उसे कमर्शियल कमर्शियल <laughs> कहा जाता है और जो पिक्चरें नहीं चलती उसे आर्ट फिल्म करार दिया जाता है सो इट्स इट्स सो वियर्ड पीपल ओनली टेक यू सीरियसली वन योर सॉन्ग मेकअप You know, when you're doing a film sans makeup. So, uh, oh even boy, if it I was better do my I better no, do really? the show. bet if it really sounds glamour. <laughs> <laughs> Haan, then you'll be known as <laughs> a serious, serious talk show host. I think being glamorous uh, is great fun and uh, it's an actor's job to look good. And uh, as an actress, it's important to reinvent yourself as well. So, I've done. done it all actors who do films जी. like this do cut their rates to slash the rates dramatically for it uh, it's more about the cause than the money definitely uh, so aapko kya lagta hai is that the reason we don't see so many stars in movies like this aise koi baat nahi hai har ek ke alag alag reasons honge मैं उनके लिए तो बात नहीं कर सकती लेकिन मैं अपनी बात कर सकती हूँ uh, मुझे फिर मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और इसलिए मैंने की और uh, मैंने रेवती के सेंसिबिलिटीज को पूरी तरह से ट्रस्ट करके uh, काम किया और uh, मुझे कोई गिले शिकवे नहीं रहे आपकी कंप्लेंट है कि यू यू नो विश दैट अ लॉट मोर पीपल पीपल हैड सीन सीन द द द द द फिल्म फिल्म यस राइट हाउ दे गो टू टू थिएटर मूवी सो एवरीबॉडी हैज कम एंड But right. for me, Fir Milenge was a successful film because I look at it from a different perspective. I just couldn't act. You know, I had to uh, feel for the character. So, especially even doing this scene, I would be crying throughout. I was crying before every shot, after every shot. If you see, my nose was pink. And it was the most traumatic film of my life, the most dramatic experience. And I remember I was at this AIDS conference, and there was this girl uh, who had her story to tell us. And she was really, really gutsy. She actually stood up, and uh, she's been living with HIV for the last uh, ten years. And she stood up, and she told us a story of uh, how she was uh, uh, not treated. She had a, she had a root canal, and she was in excruciating pain uh, to be done. And the, the dentist refused to do it on her because she was living with HIV. So she stood up there, and she said, "I'm HIV positive, and I want to live my life with dignity." So that really pained me. I went up to her and I hugged her, and I was like, You know, there's nothing wrong with you. And I have more respect for you, for the fact that you've actually stood up and you've, uh, you've said that you're HIV positive. So uh, uh, I think this film um, has evoked a lot of reactions, positive reactions, and I really hope. Uh, the word spreads faster, and uh, we deal with the problem on a war footing. Well, I hope that you continue to do such wonderful, socially relevant films. Stars like you, you know, with the position you have in the industry today, can really help impact society. And speaking of your, you know, star status, I believe your recent commercial success thus. Uh, based on the anti-terrorism anti cell yes. is doing phenomenally well. Yes. and congratulations for that, chandler. thank you. and thank you so much for being on the show and sharing all your experiences with us. thank you so much for uh, uh, that lovely uh, insight into what uh, those people felt about uh, my work. and uh, it's really, really encouraging. and i'm glad that my work's being appreciated. thank you so much for having me on the show. welcome.